जय हिंद, वेलकम आपका एसोसिएशन जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिकों के लिए कुछ वैकेंसीज निकाली गई है, सब्सक्राइब कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब का बटन है, नीचे बगल में छोटी घंटी है तो उनको प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर छोटी बड़ी खबर आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। हिंदुस्तान सैनिकर्स एंड मेडिकल डिवाइसेस लिमिटेड की ओर से रेगुलर यहाँ पे जॉब रहेगी, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम रहेगा और काम क्या क्या है उसकी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। मेन पावर को हैंडल करना, मटेरियल मूवमेंट जो भी मटेरियल्स आता है उसका मूवमेंट इन आउट जो होता है, इंटायर सिक्योरिटी कंट्रोलिंग इन द प्लांट, जो प्लांट है उसमें कंप्लीट सिक्योरिटी कंट्रोल आपके हाथ में रहेगा, रोस्टर मेकिंग सुपरवाइज एंड ब्रीफिंग टू गार्ड, उसके अलावा फायर सेफ्टी ऑफ द प्लांट ये भी काम रहेगा, इमरजेंसी हैंडलिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल डीलिंग इस तरह से भी काम रहेगा, विजिटर्स मूवमेंट जो होता है उसको भी कंट्रोल करना, मटेरियल मूवमेंट जो होता है लीड द सिक्योरिटी शिफ्ट रोस्टर या रिपोर्टिंग टू द सीनियर, तो इस तरह से यहाँ पे काम रहने वाला है। अभी यहाँ पर टोटल नंबर वैकेंसीज जो निकाली गई है और एजुकेशन जो है 10th 12th, आर्मी ग्रेजुएट या ग्रेजुएट कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कम से कम 10th पास भी आप हैं तो आप वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। 35 से 50 साल के बीच में जो भी हैं वो इन सभी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फरीदाबाद हरियाणा में जॉब लोकेशन रहेगा और सैलरी दी जाएगी 25,000 पर मंथ के हिसाब से। उसके अलावा कैंटीन, मेडिकल यूनिफॉर्म, GPA, CTI, PF, ग्रेजुटी वगैरह ये सब आपको दिया जाएगा। 22 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है, तो आप अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई। अभी दूसरी वैकेंसीज रिवर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से निकाली गई है, रेगुलर जॉब रहेगी और पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी सुपरवाइजर ऑब्लिक जूनियर ऑफिसर। काम क्या रहेगा यहाँ पे, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एंड ओवरसी CCTVs इन दी कंपनी, जितनी कंपनी में यहाँ पे CCTV लगी है उन सबको देखना और साथ में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। एक वैकेंसी टोटल है, NCO ऑनरी GCO, GCO फ्रॉम इंटेलिजेंस कोर फर्स इज प्रेफर्ड, तो जो भी NCO हैं ऑनरी GCOs हैं GCOs हैं सभी इसके लिए एलिजिबल रहेंगे और यहाँ पर फिर किया जाएगा या तवज्जो दी जाएगी इंटेलिजेंस कोर फर को। मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक फ्रॉम आर्मी इंटेलिजेंस कोर से होना चाहिए, 40 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए और जॉब लोकेशन है ग्रेटर नोएडा, नोएडा के अंतर्गत। सैलरी यहाँ पर बताई गई है नेगोशिएबल, यानी कि बातचीत करके आप तय कर सकते हैं या तय किया जा सकता है। यहाँ पर 22 नवंबर 2024 लास्ट डेट है, अपने जिला सैनिक बोर्ड, राजस्थानी बोर्ड के थ्रू आप इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल जो भी हैं अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज केरला बुक्स एंड पब्लिकेशन सोसाइटी की ओर से निकाली गई है, पोस्ट का नाम है सिक्योरिटी सुपरवाइजर, ऑन कॉन्टैक्ट बेस पर रहेगा। नंबर वैकेंसीज टोटल एक है, GCOOR के लिए है। अभी क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट नहीं है तो आर्मी के द्वारा या डिफेंस के द्वारा जो दिया हुआ सर्विस उसके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा है कि रिटायर्ड मिलिट्री पर्सन फ्रॉम ए रैंक नॉट बिलो नायक सूबेदार और सिमिलर रैंक ऑफ अदर आर्मेड फोर्सेस विद 15 ईयर मिलिट्री एक्सपीरियंस, तो जो भी नायक सूबेदार रैंक से रिलेटेड हैं वो इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे। अप टू 60 ईयर तक इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई किया जा सकता है। जॉब लोकेशन है काकांड और एर्नाकुलम, काकानाड और एर्नाकुलम दो लोकेशन है, नेगोशिएबल है, यानी कि सैलरी यहाँ पर बातचीत करके तय किया जा सकता है। एडिशनल फैसिलिटी में कैंटीन फैसिलिटी दी जाएगी और 22 नवंबर 2024 अप्लाई करने की लास्ट डेट है, अपनी जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज है ये है गवर्नमेंट की जॉब, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है, मल्टी टास्किंग यानी कि MTS की वैकेंसीज आपको मिलेगी। नंबर वैकेंसीज 9 है, ग्रुप सी के अंतर्गत है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैट्रिक पास होना चाहिए, बाकी यहाँ पर रेंज एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। सैलरी जो होगी यहाँ पर 18,000 से 56,900, बाकी यहाँ पर अदर अलाउंस दिए जाते हैं। 22 नवंबर 2024 लास्ट डेट है, तो अपने जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड के थ्रू अपने वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वैकेंसीज है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की ओर से निकाली गई है, पोस्ट का नाम है फाइन मैकेनिक। अभी जॉब फंक्शन किस तरह से रहेगा, रिगार्डिंग जॉब रिक्वायरमेंट द ड्यूटीज टू द पोस्ट आर एज अंडर, सबसे पहले यहाँ पे है कि रिपेयरिंग ऑफ फाइन टाइप इंस्ट्रूमेंट
फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रूमेंट्स एंड वॉचेज, तो ये भी आपको रिपेयर करने होंगे। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर करना होगा, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और सुपरवाइजर या फिर सीनियर के द्वारा जो काम दिया जाएगा वो यहाँ पर करना होगा। नंबर वैकेंसीज टोटल एक है, ग्रुप सी के अंदर वैकेंसीज आपको मिलेगी। क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, और दूसरा है कि ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड से रिलेटेड। और यहाँ पर एज पर गवर्नमेंट रूल के अनुसार आपको छूट दी जाएगी एज में। जॉब लोकेशन है कानपुर उत्तर प्रदेश विद EISL। अब यहाँ पर सैलरी दी जा रही है 20,000 से लेकर 63,200 रुपये तक 7th CPC के अंदर। 22 नवंबर 2024 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अपने जिला सैनिक बोर्ड राजस्थानी बोर्ड के थ्रू आपने वैकेंसीज के अप्लाई कर सकते हैं। अभी अन्य वैकेंसी जो निकाली गई है इंडियन एयरफोर्स प्लेसमेंट सेल की ओर से निकाली गई है, और ये सभी वैकेंसीज आपको इसके बारे में पता होगा कि जितने भी एयरफोर्स के रिटायर्ड पर्सन हैं जिनका इसमें रजिस्ट्रेशन है उनके लिए वैकेंसी रहती है। अभी यहाँ पर सबसे पहले वैकेंसी जो निकाली गई है ये यहाँ पे है असिस्टेंट मैनेजर एडमिन एंड एचआर की। अप्लाई करने की लास्ट डेट है 20 नवंबर 2024। अभी टोटल ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको एक मिलेगी। और दूसरी बात है कि नॉन कमीशन ऑफिसर के लिए वैकेंसीज आपको मिलेगी वारंटीज के लिए, और 50,000 रुपये यहाँ पर सैलरी दी जा रही है। मैक्सिमम जो यहाँ पर बताई गई है 50 ईयर बताई गई है, और बाकी पोस्ट का नाम है असिस्टेंट मैनेजर एडमिन एंड एचआर। जॉब लोकेशन है बेंगलुरु में। टेस्ट वैकेंसी सिक्योरिटी सुपरवाइजर ऑब्लिक जूनियर ऑफिसर इन रिवर इंजीनियरिंग लिमिटेड में 22 नवंबर 2024 लास्ट डेट अप्लाई करने की। एक वैकेंसी आपको मिलेगी नॉन कमीशन ऑफिसर्स के लिए। बातचीत करके यहाँ पे सैलरी तय किया जा सकता है। मैक्सिमम एज है 40 ईयर। टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड ओवरसी CCTV इन द कंपनी, कि यहाँ पे काम रहेगा, यानी कि जो सिक्योरिटी होती है वो आपके ऊपर या आपके दामोदार में रहेगी। आप यहाँ पर सुपरवाइजर रहेंगे और आपके अंदर पूरी सिक्योरिटी रहेगी। नोएडा जॉब लोकेशन है। नेक्स्ट वैकेंसीज है सिक्योरिटी सुपरवाइजर की इन हिंदुस्तान सरिंगर्स एंड मेडिकल डिवाइसेस लिमिटेड की ओर से। दो वैकेंसीज टोटल है। 22 दिसंबर 2024 लास्ट डेट है अप्लाई करने की नॉन कमीशन ऑफिसर्स के लिए, जिसे एनसीओ के लिए, ओआर के लिए 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी। मैक्सिमम एज है 50 ईयर और हरियाणा में जॉब लोकेशन रहेगी। नेक्स्ट जो वैकेंसी आपको मिलेगी है जूनियर एग्जीक्यूटिव की लॉजिस्टिक्स इन प्रोपेल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। 22 दिसंबर 2024 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल एक है, और बाकी यहाँ पर जो एज मैक्सिमम बताई गई है 50 ईयर बताई गई है। रिसर्व वैकेंसीज आपको है नॉन कमीशन ऑफिसर के लिए। अभी क्या काम रहने वाला है, क्या यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसकी जानकारी आप यहाँ पे चढ़ सकते हैं। अभी नेक्स्ट जो वैकेंसीज है ये भी निकाली गई है फील्ड प्रोडक्ट टेस्टिंग ऑफिसर इन MRF लिमिटेड में। 29 नवंबर 2024 अप्लाई करने की लास्ट डेट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको मिलेगी एक। 45 साल मैक्सिमम है, और जो लोग चेन्नई में रहेगा फील्ड प्रोडक्टिंग टेस्टिंग में काम रहेगा यहाँ पे, वही पोस्ट का नाम है। अभी नेक्स्ट वैकेंसीज है कंपनी चीफ सिक्योरिटी एंड एडमिन ऑफिसर की। 30 नवंबर 2024 लास्ट डेट अप्लाई करने की। नंबर वैकेंसी आपको मिलेगी एन एक। जो कंपनी का नाम यहाँ पे देखा है ब्लू हॉरिजॉन स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। 60,000 रुपये यहाँ पे सैलरी आपको दी जाएगी पर मंथ के हिसाब से। 40 साल मैक्सिमम है। जॉब लोकेशन है हैदराबाद में। अभी यहाँ पे क्या काम रहने वाला है, फ्रेमिंग ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज, इंटरनल सिक्योरिटी ऑडिट, ट्रेनिंग ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, लाइजेंस विद सिविल एंड लॉ इन्फोर्समेंट, सिक्योरिटी ड्यूटीज, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। जॉब लोकेशन है हैदराबाद में। अभी नेक्स्ट वैकेंसी है प्रोग्राम मैनेजर की। 30/11/2024 लास्ट डेट अप्लाई करने की। टोटल नंबर वैकेंसी मिलेगी आपको एक। 30 साल मैक्सिमम है, हालांकि 30 साल के हिसाब से इन्होंने लिखा है, समझ से परे है। यदि रिटायर्ड पर्सन के लिए है तो 30 साल नहीं लिखना चाहिए था, या तो निष्प्रिंट हुआ फिर।